गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यहाँ हम लोग जो हमारा 11th का बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, 11th स्टैंडर्ड का बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है वो है सम जनरल डेफिनेशन, स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री, एंड देन वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड लास्ट जो हमारे लेक्चर हुए, 2 लेक्चर होकर उसको हम लोग देखें तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अराउंड 6 to 7 लॉज मैंने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। देन हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, देयर कंपैरिजन, एंड फाइनली एटम्स एंड मॉलिक्यूल विथ डिफरेंस, यहाँ तक का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ अब आज का जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, हम लोग कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि इन डेफिनेशन का आगे एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर, एनालिसिस करने में ये डेफिनेशन हमें हेल्प करती हैं। तो उसी डेफिनेशन की सीरीज़ में सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे यहाँ पर एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक मास को यहाँ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, या एटॉमिक मास को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं, हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सी, एटम हमें पता है कि इट इज़ अ वेरी फाइन यूनिट और बहुत छोटा, बहुत छोटी एंटिटी होती है, बहुत फाइन पार्टिकल होता है। इवन इसे हम लोग नेकेड आइज से विदाउट द यूज़ ऑफ एनी एड हम लोग इसे ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं, इतनी छोटी यूनिट है और इतनी छोटी यूनिट का हम लोगों को मेज़रमेंट लेना है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इतनी छोटी यूनिट का मेज़रमेंट लेने के लिए हमें अगर हम कोई बड़ा स्टैंडर्ड यूज़ करें, लाइक एक एटम को अगर मैं ग्राम में या फिर माइक्रोग्राम के अंदर भी या केजी में अगर इसको मैं एक्सप्रेस करूँगी तो मेरा जो कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, समय समय पर अलग अलग स्टैंडर्ड का यूज़ करा। ठीक है, जैसे मैं आप देख रहे हैं, आप एटॉमिक मास के आगे मैंने कुछ स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इज़ हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, पहला स्टैंडर्ड कौन सा था मेरा, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड। या हाइड्रोजन स्टैंडर्ड मतलब कि किसी भी एटम का जो मास होता है उस मास को हम किसके रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे कर सकते हैं, तो मैं जिनमें हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी का मास बोल के बताती हूँ। जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, है ना, वैसे 1.008 होता है, बट हम उसे कन्वीनियंट के लिए 1 लिखते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, सपोज़ तो मुझे ऑक्सीजन को एक्सप्रेस करना है हाइड्रोजन के लैंग्वेज में, ऑक्सीजन का मास लिखना है हाइड्रोजन के लैंग्वेज में, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ऑक्सीजन के बारे में हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 टाइम मोर हैवियर इन कंपेरिजन टू द 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के कंपैरिजन में 16 टाइम्स मोर हैवियर होता है। ये क्या कहलाता है हमारा ऑक्सीजन, सॉरी ये हमारा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड कहलाता था, बट हाइड्रोजन स्टैंडर्ड जो था इसे कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर दिया गया। इसकी कुछ लिमिटेशन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, वो ये कि इसका एग्जैक्टली जो मास था वो 1 नहीं था, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो एक वैल्यू आ रही थी 1.008, तो जब मल्टीपल टाइम इस यूनिट को हम लोग रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो होगी वो हमें एक एरर प्रोवाइड कर रही थी, तो दैट्स वाई हमने इस स्टैंडर्ड को यहाँ पर ऑमिट कर दिया, इस स्टैंडर्ड का यूज़ प्रेजेंट टाइम में नहीं किया जाता। देन फिर सेकेंड स्टैंडर्ड आया जिसे हम लोग ऑक्सीजन स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और एटॉमिक नंबर है 8। तो अब ऑक्सीजन की लैंग्वेज में मुझे किसी का मास निकालना है या ऑक्सीजन के एक एटम की हेल्प से मुझे किसी अनदर एटम का मास निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए हम लोग, देखिए मैंने लिखा है 1/16, यानी कि ऑक्सीजन के एक एटम को मैंने 16 इक्वल पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा, और उस 16 में से कोई एक पार्ट लेकर मैं क्या करूँगी, किसी एक एटम को यहाँ पर उसका मास को मैं मेज़र करूँगी या उसके मास के स्टैंडर्ड को बताऊँगी। तो यहाँ ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीजन स्टैंडर्ड। जैसे आप देखिए मैं बोल कर बताती हूँ इसको, सपोज़ मुझे क्या बोलना है कि मुझे नाइट्रोजन को बोलना है ऑक्सीजन की लैंग्वेज में, यानी कि नाइट्रोजन एटम का मास बताना है ऑक्सीजन स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, समझेंगे इसको यहाँ पर, मैं बोलूँगी ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट। ठीक है, तो देखिए द 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम मोर हैवियर देन 1/16 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम।
ठीक है, इसका मतलब नाइट्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन के 1/16 एटम पार्ट से 14 टाइम मोर हैवियर है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पर, नाइट्रोजन स्टैंडर्ड कहलाएगा, सॉरी ये ऑक्सीजन स्टैंडर्ड कहलाएगा। नाइट्रोजन को तो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में लिया है, पर ऑक्सीजन की कुछ इस स्टैंडर्ड की कुछ लिमिटेशन आ रही थी। वो क्या थी कि ऑक्सीजन एक रिएक्टिव एलिमेंट है, वो किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकता है, अपनी ऑक्साइड्स बना सकता है, तो इस कारण इस स्टैंडर्ड का यूज़ हमने करना बंद कर दिया। तो तीसरा स्टैंडर्ड ऑफर हुआ जिसे हम लोग नाइट्रोजन स्टैंडर्ड बोलते हैं। देख ही रहे हैं आप, नाइट्रोजन का मैंने यहाँ पर शो कर रखा है हैविंग एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर 14, और इसलिए इस स्टैंडर्ड का यूज़ मैं 1/14 के फॉर्म में करूँगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन के स्टैंडर्ड में भी हम किसी भी एलिमेंट के मास को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर यूज़ करा है लिथियम को, है ना, लिथियम का मास कितना होता है यहाँ पर 7, एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 3। अब कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे द वन एटम ऑफ लिथियम इज़ 7 टाइम मोर हैवियर देन 1/14 पार्ट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, है ना। यानी कि लिथियम का एक एटम 7 टाइम ज़्यादा हैवियर है इन कंपैरिजन टू 1/14 पार्ट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। तो इस तरह से अलग अलग स्टैंडर्ड हमें बताए गए, बट सभी स्टैंडर्ड की कुछ ना कुछ यहाँ पर लिमिटेशन थी, और कहीं ना कहीं वो एक्यूरेसी वही एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे या स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे थे जो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए चाहिए था। प्योरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड हम लोग नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर एक अलग स्टैंडर्ड बोला गया है, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने एक नया स्टैंडर्ड ऑफर किया जिसे हम कार्बन 12 स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। अब कार्बन 12 स्टैंडर्ड क्या है ये अगर हम लोग बात करें तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू कार्बन 12 स्टैंडर्ड एटॉमिक मास क्या है, इट इज़ द नंबर विच एक्सप्रेस एज टू हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। ये हमारी इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसका अगर हम लोग फार्मूला देखें कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये लिखा मैंने एटॉमिक मास, और इसे हम लोग लिखें अगर मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम अपॉन में 1/12 मास ऑफ एटम कार्बन 12, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्बन 12 स्टैंडर्ड है ये क्या है और ये हमने क्यों रिफ़र किया, सबसे पहले तो ये बात करते हैं, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं तो यही स्टैंडर्ड हमने क्यों यूज़ करा। तो कार्बन 12 की अगर बात करें तो कार्बन 12 इज़ द आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ जब स्टैंडर्ड के रूप में रिफ़र की जाती है तो वो चीज़ जो है उसे इनफ स्टेबल होना चाहिए, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर या इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए जो रिएक्शन है या जो एफिनिटी है वो बहुत कम होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो उसका लाइफ स्पान लंबा होना चाहिए, उसे अपने आप को जल्दी ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ कैसी होती है, स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझे, सपोज़ करो आज मैंने कोई आयरन का एक वे ले लिया है ना, मतलब वे करने के लिए मैंने आयरन ले लिया, बट आयरन में तो रस्टिंग हो जाता है, तो रस्टिंग हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आयरन अपने वेट का लॉस करता रहेगा। तो हो सकता है जो चीज़ आज अपने आप को 1 kg शो कर रही है, आज से एक साल बाद जब मैं उससे मेज़र करने जाऊँगी तो वो 1 kg की जगह 900 ग्राम या 800 ग्राम शो करेगा, मतलब स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो जो चीज़ अपने आप को जल्दी से डिके कर लेती है, अपने आप को डैमेज कर लेती है एनवायरमेंट के कारण, उस चीज़ को स्टैंडर्ड में यूज़ नहीं किया जाता। और यहाँ हम कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा है। 5640 ईयर्स का क्या होता है, इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है, मतलब इतने सालों बाद हमारा जो कार्बन 12 है वो अपने आप को आधे ग्राम में कन्वर्ट करता है। यानी कि आज कोई बॉडी अगर डेड होती है, हमारी सबकी बॉडी के अंदर ये आइसोटोप प्रेजेंट होता है, तो आज कोई बॉडी अगर डेड फॉर्म में जाती है तो ये डिके होना शुरू होगा, और आज से 5500 साल लगभग
बाद ये आधे ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इतना स्लो डिग्रेडेशन होता है कि आसानी से जो डिग्रेड हुई क्वांटिटी है उसका पता हम लोग लगा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एस्टिमेशन ये हमको करके देता है, इसलिए कार्बन 12 स्टैंडर्ड का यूज़ हम लोग यहाँ पर एटॉमिक मास के लिए करते हैं। ठीक है, फार्मूला आप लोगों ने देख ही लिया। अब एटॉमिक मास क्या है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। देखिए, जनरली किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर के अंदर मिक्सचर ऑफ आइसोटोप के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसे हम लोग किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, मैंने बोल दिया कि सपोज 7 है, तो 7 एग्जैक्ट कभी नहीं मिलेगा हमें, कभी 7.0012 मिल जाएगा, 7.13 मिल जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स का मास जो है वो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मिलता, जबकि किसी आइसोटोप के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है। वैसे नेचर में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो हैं वो आइसोटोप के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने अभी सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में बात कही है। नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट। अगली जो हमारी हेडिंग है उस हेडिंग को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है ये हम लोग अगर बात करें तो देखिए, एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMU भी बोलते हैं ना। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। देखिए, द स्केल ऑफ रिलेटिव मासेस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट स्केल, है ना। इसे हम AMU भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वन एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मास, है ना। वन AMU को मैं डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पर, वन AMU इज इक्वल टू, इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन से बताया, 1 AMU इक्वल टू कितना होगा, तो ये वह क्वांटिटी है जब हम लोग कार्बन को क्या कर रहे हैं यहाँ पर 12 इक्वल पार्ट के अंदर ब्रेक कर रहे हैं, देन उस इक्वल पार्ट के अंदर से किसी एक पार्ट को लेकर हम लोग क्या करेंगे, किसी एटम के मास को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो दैट स्मॉल एंटिटी, दैट स्मॉल पार्ट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। ये एक्चुअली में हमारा स्टैंडर्ड है कार्बन 12 का, 1/12 के फॉर्म में हमेशा इसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बताई गई है, हम लोग देखें, मैंने अभी आपको एटॉमिक मास बताया, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे देखिए इसी में थोड़ा सा इसको आगे हम लोग और डिस्कस करें, हमें क्या पता करना है इसके अंदर, एक्चुअल वेट ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन, एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 isotope has been found to be कितना होता है, 1.9924 × 10⁻²³। मतलब कार्बन 12 के एक एटम का अगर मैं यहाँ पर मास लूँ तो मास कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर इतना ग्राम मिलेगा। ठीक है, सो वन एटॉमिक मास यूनिट अगर मुझे निकालना है, इसका 1 AMU अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, तो सिंपल है कि जो गिवन क्वांटिटी, दैट इज़ दैट क्वांटिटी 1.9924 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1.660 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 AMU कहलाता है, या हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ नोन एज, दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग याद रखें, ये फिगर जो होता है ये बहुत जगह न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जो मेरी अगली डेफिनेशन है उसे हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो
इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, देखिए इसको हम सिंपल सी एक लैंग्वेज है, अगर हम इसको समझें तो किसी भी एलिमेंट का जो मास है या किसी एलिमेंट के एटम का जो मास है, जब हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट हुज मास इन ग्राम, हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक, इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, किसी एलिमेंट की एटम की जो क्वांटिटी होती है उसके मास को अगर मैं यहाँ पर ग्राम में एक्सप्रेस करूँ तो दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये हमारी ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। जैसे सपोज़ करो एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का, जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो कितना होता है, 1.008 होता है AMU। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज, है ना, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज सेम क्वांटिटी, ओनली द यूनिट विल गेट चेंज, 1.008 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, या ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ कि वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज कितना होता है, 16 AMU होता है, तो वही चीज़ का अगर मैं यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास निकालूँ तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 ग्राम हो जाएगा। तो थिंग विल रिमेन सेम, ओनली द यूनिट विच वी राइट आफ्टर दिस फिगर इज चेंज। ठीक है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर सेम रहने वाली है। नाउ एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, ये हम लोग समझे ना, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा सा पढ़ने में हमें अच्छा इसको लगेगा। एवरेज वर्ड का मतलब समझते हैं हम लोग, है ना, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने एटॉमिक मास से रिलेटेड ही पढ़ी हैं अभी तक। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्या है, ये देखा गया है कि जो एलिमेंट्स नेचर के अंदर मिलते हैं वो मिक्सचर ऑफ सेवरल टाइप ऑफ आइसोटोप होते हैं। ठीक है, अभी आइसोटोप मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया कि आइसोटोप क्या होता है यहाँ पर, तो एवरेज एटॉमिक मास उसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने कहा कि नेचर में सपोज़ करो मुझे कोई एलिमेंट मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उसका एक ही जैसा एटॉमिक मास होगा, उस एलिमेंट के जो एटम है उनका एटॉमिक मास वेरी भी कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हाइड्रोजन जो हमें नेचर में मिलता है वो तीन फॉर्म का मिलेगा, H1, H2 और H3, तीन डिफरेंट एटॉमिक मास मिलेंगे, बट ये एलिमेंट तो कौन सा है, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो जब मुझे हाइड्रोजन का मास निकालना होगा तो मैं ये जो डिफरेंट टाइप के आइसोटोप हैं इन्हें निग्लेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आउट ऑफ द 100% कुछ ना कुछ परसेंटेज तो ये भी कैरी करते हैं। तो बेस्ड अपॉन द अबंडेंस या बेस्ड अपॉन द देयर फाइंडिंग हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, और उसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। आप जब अपने पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ फिर वही बात आती है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का जो यहाँ पर मास है वो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में ही मिलेगा, है ना, कहीं ना कहीं कोई मतलब सिंगल डिजिट के अंदर आपको, या हम कह सकते हैं कि एक होल नंबर वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल वैल्यू जो है एटॉमिक मास की यहाँ पर मिलेगी। और वो इसलिए मिलती है क्योंकि एलिमेंट जो है वो अपने मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स के फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट वे क्या है यहाँ पर डिफाइन करने का किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तरीका क्या हमारा एटॉमिक मास को मेज़र करने का यहाँ पर, एवरेज एटॉमिक मास को, कि हम लोग जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को यहाँ पर प्रॉपरली मतलब उसके आइसोटोप को हम लोग क्या कर ले, पहले तो यहाँ पर सेपरेट कर लें। ठीक है, जो भी आइसोटोप है यहाँ पर उसको हम प्रॉपरली क्या कर लें, सेपरेट कर लें। देन सेपरेट करने के बाद में उन्हें हम कंबाइन करें इन द रेशियो, देन सेपरेट करने के बाद में हम अगेन क्या करें, उन्हें यहाँ पर कंबाइन करें। किस फॉर्म में कंबाइन कर रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ देयर, इन द रेशियो ऑफ देयर प्रपोर्शन ऑफ ऑकरेंस, इन द रेशियो ऑफ देयर प्रपोर्शन ऑफ ऑकरेंस, मतलब जितने
प्रोपोर्शन के अंदर, वो नेचर के अंदर मिलते हैं, उतने प्रोपोर्शन में हम इन क्या कर दें, रिकम्बाइन कर दें। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन इज़ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, अब इसके दो आइसोटोप मुझे नेचर के अंदर यहाँ पर मिलते हैं, एक मिलता है आइसोटोप क्लोरीन का 35 और एक मिलता है आइसोटोप क्लोरीन का 37, है ना। इनका रेशियो अगर मैं देखूँ तो रेशियो है मेरे पास में 3:1, यानी कि 75% जो है मुझे कौन से टाइप का मिलता है, क्लोरीन 35, एंड 25% मुझे कौन सा मिलता है, क्लोरीन 37। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा क्लोरीन का वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर 35, क्योंकि वो 3 पार्ट मिलता है, प्लस 37 क्योंकि वो 1 पार्ट मिलता है, डिवाइडेड बाय 3+1, ये टोटल 4 पार्ट होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसलिए क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हम लोग लिखते हैं और वो मास होता है यहाँ पर 35.5, है ना। यहाँ तक मैंने अभी आपको मास वाला जो कंसेप्ट था वो बताया। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मुझे पढ़ाना है आपको वो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। जो अगली हमारी हेडिंग है वो कहलाएगी यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जैसे कि एटॉमिक मास हमने मेज़र करा वैसे मॉलिक्यूलर मास का भी हम लोग रिलेटिव वेट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास की बात अगर हम करें तो ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को कि हाउ मेनी टाइम अ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। सी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अभी तक हम लोग एलिमेंट का एटम कंपेयर कर रहे थे विद कार्बन 12 स्टैंडर्ड। अब सेम चीज़ में हम लोग किसी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल कंपेयर करेंगे विद कार्बन 12 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है इसको अगर हम लोग देखें तो इट इज़ ऑल्सो अ रिलेटिव वेट। ये भी क्या है, एक रिलेटिव वेट है। ठीक है, और इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज हाउ मेनी टाइम्स ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूला निकालें इसका फार्मूला क्या निकलेगा, तो फार्मूला है हमारा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस अपॉन में 1/12 इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है कि यहाँ पर अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग रखेंगे यहाँ पर और उसके अपॉन में हम लोग लिखेंगे 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन 12, यानी कि जो वैल्यू हमने यहाँ पर अभी निकाली थी वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो यही चीज़ हमारी मॉलिक्यूलर मास कहलाती है। अब सिमिलरली हमें पढ़ना है यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जो अगली चीज़ हमें पढ़नी है वो क्या है यहाँ पर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होगा। अब ये क्या है, जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, दैट इज़ नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, व्हेन द मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, व्हेन मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूंगी उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो
1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो ये कितना हो जाएगा, हमें पता है CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 ग्राम CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होता है उसे जब हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन थी। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें बताई गई है यहाँ पर, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, है ना, काफ़ी सिंपल सी थिंग है और आप लोग ये शायद 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, बट फिर भी मैं कुछ एग्जांपल जो हैं वो यहाँ पर आपको बताती हूँ कि मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहली एक प्रिपरेशन लगेगी कि एटलीस्ट, क्योंकि जब हम 11th क्लास में आ चुके हैं तो अप टू 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक तो आपको सारी चीज़ें याद होना चाहिए। मतलब 1 से लेकर 30 तक जो हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें एलिमेंट दिए हैं उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, अच्छा एटॉमिक मास जो है वो आप 20 तक भी याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उससे बड़े वाले जो एलिमेंट हैं उनके मास अगर हमें कैलकुलेशन में यूज़ करना है तो वो दिए होते हैं, वो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनकी वैलेंसी पता होना चाहिए अप टू एटॉमिक नंबर 20, हमें इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, हमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। ठीक है, और इतना पता होने के साथ साथ हमें हमें क्रिस क्रॉस फार्मूला अप्लाई करना भी आना चाहिए। मतलब हमें टाइप ऑफ कंपाउंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन्स ये जो कंपाउंड है वो किस कैटेगरी का है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देन अगर कंपाउंड हमें फाइंड आउट नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं जिसकी हेल्प से हम ये सीख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट आपको मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए। तो सिंपल चीज़ों का मॉलिकुलर मास या आपको याद भी होगा बट उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हम लोग ये देखें, जैसे मैंने अभी कहा आपको सपोज अमोनिया है ना, इसका मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नाइट्रोजन का मास होता है 14। एंड वन मोर थिंग, जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं तो बहुत ध्यान से हमें एलिमेंट के मास को लिखना है, कभी भी एटॉमिक नंबर को नहीं लिखना है, अदरवाइज हमारी जो काउंटिंग है वो गलत हो जाएगी। और ना सिर्फ एटॉमिक मास को काउंट करना, हमारे से मॉलिक्यूलर मास को काउंट करना पूछा जाता है, हमें ये चीज़ कैलकुलेशन में यूज़ होती है, बहुत सारी जगह स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग करेंगे जहाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अगर यही चीज़ें गलत हैं तो आगे हमारा फार्मूला, हमारा जो एप्लीकेशन है, जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेस है, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3, देन 17, तो एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया इज 17। ठीक है, सिमिलरली हम बात करें यहाँ पर CO2 की, CO2 में कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, क्योंकि कार्बन के इसके ऑक्सीजन के 2 एटम, इसलिए हो गया 32, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना निकला है यहाँ पर, 44। ठीक है, और हम लोग बात करें, सपोज करो मैं ले रही हूँ यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, सोडियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 23 एंड क्लोरीन का भी मैंने आपको ऊपर बताया 35.5, इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 58.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, मतलब 1 ग्राम ऑफ NaCl कितना हैवी होता है, तो 58.5 ग्राम वो हैवियर होता है। ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप देखेंगे तो 1 कैल्शियम हैविंग एटॉमिक मास 14 प्लस 1 कार्बन इज इक्वल टू 12 एंड 3 ऑक्सीजन, मीन्स 1 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 14 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, इसे फाइनली हम लोग लिखे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जांपल जो हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, बट उसके लिए हमें एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। और भी कुछ एग्जांपल है जो हम लोग देखते हैं, सपोज वी हैव H2SO4, है ना, अब 2 हाइड्रोजन है तो मास कितना हो जाएगा, 2, एटॉमिक मास ऑफ 1 सल्फर इज 32 एंड 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 एंड वी हैव 4 एटम इन दिस फार्मूला, तो सिंपल 16 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 98।
ठीक है। तो इस तरह से H2SO4 का ये फॉर्म आ गया। ऐसी एक एसिड की हम लोग बात करें, दैट इज़ HNO3 नाइट्रिक एसिड, द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का 14 एंड अगेन ऑक्सीजन का 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 1 प्लस 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 48, ठीक है। टोटल अगर मैं करूँगी तो ये हो जाएगा 63। तो ऐसे करके हम हर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सिंपल से एग्जांपल मैंने दिए हैं आपको, आप बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ तक के कंटेंट में भी मैंने आपको सिर्फ मास से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एवोगाड्रो नंबर एंड मोल कंसेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज़ मोल कंसेप्ट, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।